नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी हमने भाग एक मेहनत का फल पढ़ा था। अब हम उसी का भाग दूसरा पढ़ने जा रहे हैं। आशा है कि आपको मेहनत का फल का भाग एक समझ आ गया होगा। उसमें बताया गया था कि अनुराग जो है वह बड़ा ही मंद बुद्धि बालक है। उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता और इस कारण उसके माता पिता जो हैं वह बहुत ही परेशान और चिंतित रहते हैं। अब हम उसे आगे पढ़ने जा रहे हैं। वह कुएं के पास पानी पीने पहुंचता है, क्योंकि वह कक्षा में जब फेल हो गया था तो वह उदास और निराश होकर वहां से जंगल की तरफ चला गया था। और जंगल की तरफ जाते जाते उसे बहुत प्यास लगी और वह कुएं के पास पहुंच गया। फिर उसने कुएं के पास पहुंचकर पानी पीने के लिए एक स्त्री से कहा। अब हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। पानी पीते पीते अनुराग का ध्यान अचानक कुएं के पत्थर पर बने गहरे निशानों पर गया। जब वह पानी पी रहा था तो उसने देखा कि पत्थरों के ऊपर बहुत ही गहरे निशान बने हैं, मुलायम रस्सी के। वह सोचने लगा कि पत्थरों पर ये कैसे निशान है। अब उसने दिमाग से सोचा कि पत्थर पर किस चीज़ के निशान लग गए। उसने उस स्त्री से उन निशानों के बनने का कारण पूछा। अब उसने स्त्री से पूछा कि ये निशान कैसे बने। तब स्त्री ने कहा, हम रोज़ रस्सी की मदद से इस कुएं से पानी भरते हैं। अब उस औरत ने कहा कि हम प्रतिदिन आते हैं और कुएं से पानी भरते हैं। बच्चों, आप जानते हैं हम कुएं से पानी कैसे भरते हैं। हम एक बड़ी सी रस्सी में एक बाल्टी को बांधकर कुएं के अंदर डाल देते हैं और जब बाल्टी के अंदर पानी भर जाता है तब हम उसे ऊपर खींच लेते हैं। अब हम रोज़ उसी जगह से खींचेंगे रस्सी को, तो रगड़ रस्सी की जो रगड़ है वो कठोर पत्थर पर भी निशान कर देती है। रस्सी की बार बार रगड़ खाने से इन पत्थरों पर निशान बन गया। अब जब रोज़ रोज़ रस्सी उसे खींचेंगे तो उस पर क्या बन गया था, निशान बन गया था। अनुराग सोचने लगा कि रस्सी की रगड़ पत्थर पर निशान बन सकते हैं। यानी अनुराग ने सोचा कि अगर रस्सी की रगड़ से, पत्थर कितना कठोर होता है, मजबूत होता है, अगर उस पर निशान बन सकते हैं तो बार बार अभ्यास करने से मुझे भी पाठ याद हो सकता है। इसका मतलब है, जब एक पत्थर पर एक रस्सी, मुलायम रस्सी, कितनी मुलायम होती है, वो निशान बना सकती है, तो क्या मैं बार बार एक पाठ को ना पढ़ूं या उसका अभ्यास करूं तो क्या मैं वह याद नहीं कर सकता। यह सोचते हुए उसने उत्साहित होकर अपने आप को कहा कि यह भी संभव है कि यदि मैं पढ़ाई में मन लगाऊं तो प्रथम आ सकता हूं। तो अनुराग ने सोचा कि अगर मैं अपना मन एकाग्रत कर यानी एक जगह पढ़ाई पर लगाकर कक्षा में प्रथम नहीं आ सकता। हाँ बच्चों, मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर हम बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे तो क्या हम उसे नहीं सीख सकते।
सीख सकते हैं प्यारे बच्चों। कहते हैं मन लगाकर किया गया कार्य कभी असफल नहीं होता। यह बोध होते ही वह घर की ओर दौड़ चला। बोध मतलब समझ में आना, यानी जब अनुराग को यह बात समझ आ गई तो वह खुश होकर अपने घर की ओर दौड़ चला और खुशी से अपने माता पिता के साथ लिपट गया। लिपट गया मतलब उनके गले लग गया और खुश हुआ। उस दिन से वह मन लगाकर पढ़ाई में जुट गया। जिस दिन बच्चों अनुराग को यह एहसास हो गया कि वह मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो वह कक्षा में प्रथम आ सकेगा, तभी से उसने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया और मन लगाकर पढ़ाई में जुट गया। वह हर पाठ का अभ्यास बार बार करता था, यानी वह हर पाठ का अभ्यास बार बार करता था मतलब कि वह जब उस तक उसे समझ नहीं आता वह उस पाठ को बार बार दोहराता रहता था। उसने फिर कभी असफलता का मुंह नहीं देखा, मतलब उसने जब से मन लगाकर पढ़ना शुरू किया तो तब से वह कभी असफल नहीं हुआ। उसने ऊंची शिक्षा प्राप्त की, मतलब अच्छी ऊंची शिक्षा मतलब उच्च शिक्षा यानी हाई शिक्षा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की और एक दिन उसकी गिनती बड़े विद्वानों में होने लगी, मतलब कि वह बहुत बड़ा विद्वान बन गया। बच्चों अब इसके इस पाठ के ऊपर एक कहावत भी है, चल पढ़ें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। बच्चों यह कबीर दास का जो दोहा है यह इस कहावत पर बहुत सही बैठता है कि अगर हम एक कोई भी अभ्यास करते हैं तो जब हम कोई भी अभ्यास करते हैं तो वह अभ्यास बार बार करने पर जड़मति मतलब जो जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती वह भी सुजान यानी सज्जन और बुद्धिमान बन सकता है। रस्सी आवत जाते सिल मतलब पत्थर, परत मतलब पढ़ना निशान, यानी इस कहावत का अर्थ हुआ कि अगर रस्सी जब किसी सिल पर यानी कठोर पत्थर पर बार बार रगड़ खाने से निशान बना देती है तो कोई भी जड़मती व्यक्ति अगर बार बार अभ्यास करता है तो वह भी बुद्धिमान बन जाता है। समझ आया प्यारे बच्चों? अब हम देखते हैं इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। लगन और मेहनत से असंभव काम भी संभव हो जाता है। इसका मतलब है अगर हम कोई भी काम मेहनत और लगन से करेंगे तो वह हमारे लिए असंभव नहीं है, कोई भी मुश्किल काम हमारे लिए आसान बन जाता है। किससे? मेहनत और लगन से। बच्चों आप लोगों को यह पाठ समझ आया? मेहनत और लगन ही हमें हमारी सफलता तक ले जाती है। अब देखो जैसे हमने पहले भाग में कठिन शब्द पढ़े थे ऐसे ही इसके भी हम कुछ कठिन शब्द लेंगे और उनका अभ्यास करेंगे, क्योंकि कठिन शब्द जब आप करोगे तो आपको आंसर लिखने में मुश्किल, उत्तर लिखने में मुश्किल नहीं होगी। जैसे पहला हम लेते हैं
पहला शब्द जैसे पत्थरों, निशानों, रस्सी, स्त्री, कुएं, पत्थर, उत्साहित, प्रथम, पढ़ाई, बोध, अभ्यास, जड़मती, सुजान, असफलता, विद्वानों, शिक्षा, अभ्यास, संभव, जैसे अन्य और कठिन शब्द भी हो सकते हैं, इन शब्दों का आप अभ्यास करेंगे और इस पाठ को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे और इसकी शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएंगे, क्योंकि छात्र जीवन में मेहनत और लगन और अभ्यास तीनों का ही बड़ा ही महत्व होता है। क्योंकि अगर हम अभी से मेहनत और लगन से कार्य करना शुरू करेंगे तो हम जीवन में सफलता प्राप्त अवश्य ही कर सकेंगे। धन्यवाद बच्चों, और इस पाठ को पूरा पढ़ेंगे ध्यान से। धन्यवाद प्यारे बच्चों।